वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। मुझे हजरत जी के हदायत से बहुत नफा हुआ है माशाल्लाह। तो बस हजरत जी के बारे में कहूंगी कि वो इंसानियत के लिए बहुत बड़ा तोहफा है अल्लाह की तरफ से। और मेरे दो मसले, एक मसला तो ये है कि मेरे शोहर है वो बहुत चिड़चिड़े, हर बात पे गुस्सा करते हैं, मेरे सही बात का भी गलत मतलब निकालेंगे, छोटी छोटी बात पे लड़ना शुरू कर देंगे, टॉर्चर करेंगे। और दोस्तों के साथ सारी रात दोस्तों के साथ गुजार के सुबह आते हैं घर में, घर में अकेली होती हूँ और कुछ कहूँ तो और भी लड़ना शुरू कर देते हैं, समझ में नहीं आता कुछ अरसे से क्या हो गया उनके साथ, क्या मसला है। और दूसरा मसला ये है कि मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, ना उनको कोई एहसास है, कुछ कहूँ तो और लड़ना शुरू कर देंगे। और दूसरा मसला ये कि शादी बाद अक्सर मैं दो ख्वाब देखती हूँ, एक तो खुद को हमेशा बहाना याम में देखती हूँ और दूसरा ये देखती हूँ कि मेरी बाबी है उनका बेबी हुआ है जैसे दूसरा, और बहुत डार्क कलर का है, बहुत काले हैं, और क्या नाम है जो दूसरे उनके अभी मेरे उनकी शादी तकरीबन करीब करीब हुई है, तो उनकी हकीकत में एक बेटी है और मेरी औलाद नहीं है। और जी जी जी, सबसे पहले आपकी मोहब्बत का शुक्रिया कि हमारे वज़ायफ़ से आपको फ़ायदा होता है और आपकी दुआएं हमारे हक में अल्लाह कबूल फरमाए। और आपने जो मेरे बारे में हुस्न ज़न बयान किया, अल्लाह उसको हकीकत से बदले, वाकई मुझे इंसानियत के लिए अल्लाह तोहफ़ा बना दे और इंसानियत की मैं खिदमत के काबिल हो जाऊँ। और बाकी आप नोट कर लें इसके लिए कि शौहर चिड़चिड़ापन करता है और मुझे बेजार रहता है, उसके लिए लफज है या बुद्दूहू, बे दाल वाओ है हलवे वाली, या बुद्दूहू करने का तरीका समझ लें। जो भी बीवियाँ अपने शौहरों के रवैये से परेशान हैं उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये, तो या बुद्धू हो तो उस पीने की कोई भी चीज़ अगर शौहर को दें, पानी दें, दूध दें, चाय कोई भी दें, तो उस पानी में से पहले दो घूंट खुद पी लें, पीने के बाद या बुद्धू सात दफ़ा पढ़ें, सात दफ़ा पढ़ के अब उस पानी में दम करें, दम कर दिया, अब फिर दो घूंट मुँह में लें, मुँह में लेकर दोबारा उसी पानी में उंडेल दें, यानी अपना झूठा पानी उसमें डाल दें और वो पानी शौहर को पिलाएं। अगर दूध देना है तो दूध के साथ ऐसा करें, दो घूंट दूध पी लिए, पढ़ लिया, फड़ के दम कर दिया, अब दो घूंट लेके दोबारा उसमें डाल दिया, उसको दिया। ये ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है, जैसा भी चिड़चिड़ा शौहर होगा, बेजार होगा, इंशाल्लाह सच्ची मोहब्बत करने लगेगा और मिसाली उल्फत मोहब्बत पैदा हो जाएगी। इसलिए इसको पले बांध लें। और मुझे पता है औरतें घरों में परेशान होती हैं, ये जो है शौहर बाहर दोस्तों के अंदर सारी खुशहाली खुशगवानियाँ लुटा के आ जाते हैं और घर में बेजारियां जाहिर करते हैं, नालायकी करते हैं, उनको खौफ खुदा नहीं है कि आखिरत में इस ये इन हकूक का जवाब देना होगा। तो इसलिए बहरहाल ये अमल आप शुरू कर दें तो इंशाल्लाह किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। 41 डेज कर लें आपको, उससे पहले ही इसके समराज जाहिर हो जाएंगे और बिल्कुल आपसे मोहब्बत करने वाला शौहर बन जाएगा। जी बहुत शुक्रिया।